दोस्तों अभी टाइम हो चुका है शाम के 6:57 और हम अभी उदयपुर के लिए तैयार हैं। मेरे साथ हैं गणेश लाला एंड विक्की। अभी हम तैयार हो रहे हैं। हम हो चुके हैं रेडी। जैसा कि आप देख सकते हैं हम हो चुके हैं रेडी। लाइट अभी है नहीं और हम हो चुके हैं रेडी। तो आपको मिलते हैं बहुत जल्द। हम अभी अपने दोस्त को रुके हैं, अन्ना भाई को रुके हैं अभी अपने दोस्त को। तो हमारे दो दोस्त तो पहुंच चुके हैं यहाँ पर, मौकाई वारदात पर पहुंच चुके हैं हमारे दो दोस्त। अब हम रुके हैं अन्ना और एक दोस्त उसका और आ रहा है दिनी भाटी, उसको और अन्ना को रुके हैं। फिर उसके बाद हम चलते हैं, अभी वो कुछ देर में पहुंचने वाले हैं। दो दोस्त भी पहुंच चुके हैं, हमारे दो दोस्त भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर, अन्ना और दिनी भाटी। सभी दर्शक गणों को उदयपुर में स्वागत है। हमारे वहाँ पर आज हम लगाने वाले हैं बैसी में जागीरी में नाचेंगे हम जम रुमाम की जय गोल। चलो चलते हैं अभी, अभी चलो चलते हैं। हेलो भाई लोग। दुकान से खाने की सामग्री ले ली है, कुछ कुछ खाने की सामग्री हमने दुकान से ले ली है। और हमारे कुछ साथी आगे चले गए हैं, वो देखो हमारे साथी आगे चले गए हैं और हमने दुकान से कुछ खाने की सामग्री ले ली है। फिर मिलते हैं आपको। आपको आगे। तो हम पहुंच चुके हैं बिंता पुल के वहाँ। ये रहा बिंता पुल, हम पहुंच चुके हैं बिंता पुल के वहाँ और ये सारे मेरे फ्रेंड लोग देख सकते हैं। हम सभी भोले भगतगण गोलू देवता की ओर आज चल पड़े हैं दर्शन के लिए। अभी हमने 4-4.5 किलोमीटर का रास्ता तय करा है। 4.5 किलो नहीं मेरे ब्रदर, अभी हमको जाना है 6 किलोमीटर पैदल यात्रा। 6 किलोमीटर बीच में नौलों में और पानी भी पिया जाएगा। और ठंडा ठंडा बताओ, मौसम बताओ कैसा है। बहुत ही बाइक में कैसा लगा आपको? बाइक में बहुत ही ज्यादा लहर खारी गाड़ी। चलो ऊपर को चल रहे हैं, ऊपर को चल रहे हैं, ऊपर को। चलो काफी अंधेरा हो रहा है और हम निकल पड़े हैं अपने अगले मिशन के लिए। और हमारा अगला मिशन, अरे चेतन तो नहीं आ रहा है। हमारे दो साथी आगे निकल चुके हैं, मिल गए। लाला और विक्की, हाँ मिल गए। साथियों क्या हाल है? इधर दिखाओ, शक्ल दिखाओ एक बार। हाय बोल दो। हाय। डर लग रहा है क्या आपको इस अंधेरे? नहीं बिल्कुल नहीं, जो ना रात हम पहुंच चुके हैं नोहले में, पहुंच चुके हैं हम। ये देखो मेरे सारे साथी बैठे हैं यहाँ पर और हम पहुंच चुके हैं नोहले में। पानी पियो। इस नोहले का रहस्य किसी को पता है हम में से? मैं तो पहली बार आ रहा हूँ गाइस आज। तो आपको पता नहीं है? विक्की आप बता सकते हैं इस नोहले का रहस्य, कुछ गोपनीय रहस्य हो यहाँ का कुछ? आप ये देख सकते हो इसमें क्या लिखा है। इसमें लिख रखा है मद मनरेगा के द्वारा ये निर्माण कार्य हुआ है, जय साईं बाबा की जय हो। ये देख सकते हैं आप। आपको कभी भी पता होगा कि कभी भी आपको ये हमारा जब भी हमारी पारंपरिक संस्कृति में नौलों से पानी पिया नौलों को और इसको पूजा करते हैं, नौलों की पूजा करते हैं हम। नौला देखो, ये देखो आज इस नौले से मेरे को शरीर हमारा गदगद हो चुका है। शरीर हमारा गदगद हो चुका है इस नौले को देख के, क्योंकि दोस्तों ऐसे नौले बहुत ही कम दिखते हैं आप जहाँ पर पानी। ये मिले। देखो इसमें लबा लब पानी भर रहा है, लबा लब लबा लब। चलो आगे को चलते हैं आप। लेट दोस्तों को रुके हैं, उसको हगन लग चुकी है, वो पता नहीं कहाँ गया। हमें डर है कि उसको कहीं बाघ न जा दे। पता लगा वो हगने में व्यस्त है और उसको बाघ उठा के ले जा दे। क्यों नाला जी? ये बूस देख रहे हो आप, ये बूस काम आएगा हमको, गर्मी पैदा करेगा ये हमारी बॉडी में। जैसा कि आपको दिख रहे हैं हम ठंडे से अकड़ी गए हैं। अन्ना सुरंग आ गए, सुरंग तो इसके साथ हम आपको इस सुरंग के पार ले जाएंगे। चलो ले जाओ ले जाओ, ये विक्की बॉस हमको ले जा रहे हैं, हमको गाइड कर रहे हैं। विक्की सुरंग के रास्ते हमको ले जा रहे हैं, देख लो कितना खतरनाक सुरंग है ये। विक्की कहाँ ले जा रहे हो? जंगली तो जानवर तो नहीं रहेंगे इसके अंदर? इधर को तो देख लो जरा कैमरा में। सुरंग के रास्ते, अब ये सुरंग के रास्ते आगे का रास्ता है, लेकिन हम इस रास्ते से नहीं जाएंगे। वेरी डेंजरस रिस्की फेलो। ये लाला बोल रहा है वहां का रास्ता चौड़ा था, पता नहीं इसको कितना चौड़ा रास्ता चाहिए अभी। ये देखो आगे से जा रहा है हमारे, पता नहीं इसको कितना चौड़ा रास्ता चाहिए जबकि हम सही रास्ते में हैं। हमें भजन कीर्तनों की ध्वनि सुनाई दे रही है। सुनाई दे रही है आपको? हाँ, अब हम उसी को फॉलो करेंगे।
लेकिन ये प्यार प्यार वो भजन कीर्तन नहीं है रे, वो प्यार 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 हुक्का बार लग रखा है। ये तो गड़बड़ हो गई गाइस, रास्ता भूल चुके हैं ये लोग, इनको रास्ता नहीं मिल रहा है। आनंद सिंह बोल रहे हैं मुझे आगे से जाने दो, मैं बनाऊंगा रास्ता। तो आनंद सिंह बताइए, आज पहली बार सफर है हमारा भी गोलू देवता मंदिर की ओर, और काफी रात हो चुकी है, डरावना सफर है। हमको दो रास्ते मिल चुके हैं यहाँ पर, हमको दो रास्ते मिल चुके हैं यहाँ पर अन्ना। एक रास्ता नीचे को जा रहा है, एक ऊपर को। मेरे हिसाब से ऊपर वाला रास्ता सही हो सकता है। सही हो सकता है, बिक्की बताइए कुछ। ऊपर वाला रास्ता सही हो सकता है ना, चलो वो ऐसा डराने की नहीं है, डराने की नहीं है, क्योंकि एकता और अनुशासन अकेले में शक्ति है, संगठन में फटती है। संगठन में शक्ति है, अकेले में फटती है दोस्तों, देखना कभी भी हो। क्योंकि अगर तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त हैं, पहाड़ी एक टॉप पे ये कहना है कि अकेले में शक्ति है, संगठन में फटती है। लेकिन अगर तुम्हें कभी भी हमें कुछ आवाजें आ रही है, विचित्र विचित्र आवाजें आ रही है हमें, कुछ डरने का नहीं है, हाँ डरने का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भोकाल वाले मशान आते हैं, भोकाल वाले मशान चढ़ रहे हैं। और ये लाला ने रास्ता भुबरा दिया है हमको, बहुत ही डेंजरस चढ़ाई है ऊपर को। ये देखो गाइस, काफी मजा आया है इस सफर में, ये देखो काफी मजा आया है, ये देखो व्यूज, देखो इस गांव का व्यू देखो, काफी घना अंधेरा। ओ माय गॉड, क्या बोल देता, इधर को आ गड़े, इधर को आ, इधर को आना, इधर को आ, इधर को आना। अरे थोड़ा उस साइड चले जाना, नेके साइड चले जा, जहाँ से इसके सर में और उसके सर के बीच से निकालना ना, दोनों के बीच से। हम इतने छाड़ू कमल, हम इतने छाड़ू, आगे से मान ले, आगे से कर लेना थोड़ा यार। खबर हम दिखे तो वीडियो बना, बाकी सब पहचान।